हाय बच्चों बारी वेरी वॉम वेलकम टू द चैनल एंड आई एम योर इंग्लिश एडिकेटर शुप्रा मिश्रा और आज हम करने वाले हैं कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नरूदा तो इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना आपको इस पोम में कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है मतलब ये फर्स्ट और आखिरी वीडियो आप देखोगे तो भी और सॉर्टेड आपके बोर्ड्स के लिए आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है ओके okay. तो so, सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि यह जो पोम है ये पोम वॉर टाइम्स के अंदर सेट है एक्चुअली राइट आफ्टर यू नो वॉर पाब्लो नरूदा uh, उस सिचुएशन से निकल कर आए थे क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हुए थे हमने कितने लाइव लूज़ किए कितने कितनी सारी चीज़ें यू नो वॉर के अंदर जाती हैं हम गंवाते हैं और वही चीज़ पाब्लो नहरूदा ने एक्सपीरियंस की थी एंड uh, जब उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया तो ही कुड नॉट ही कुड नॉट थिंक अबाउट एनी थिंग एल्स बट हाउ यू नो वॉर किल्स लाइफ ह्यूमैनिटी एंड एवरी अदर थिंग इन दिस वर्ल्ड so that is why he was under, you know, wo jo, wo, wo pe aapke impression he was under that impression and he wrote this poem keeping quiet, urging all of us to never, ever engage in war again. kinae yami vapasik kabi asani karnam. kinae humanity ko, ese situation se vapasik kabi nihi guzaravana. under no circumstances. and that is why he urges all of us to keep quiet, keep still, and say no to destruction. सो so, ये इसका बैकग्राउंड है तो इसके लिए अगर आपको ऐसा लगे आपको थोड़ा आप इनकी बात सुनो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वो उस मेंटल स्टेट में थे तो यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा सो तो चलिए फिर फटाफट से एनसीईआरटी की रीडिंग लगाकर और इसे कंप्लीट करते हैं पोम तो की शुरुआत होती है पोएट कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू ट्वेल्व एंड वी विल ऑल कीप स्टिल Or once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for one second and not move our arms so much. पोएट कहते हैं कि चलो हम सब 12 तक काउंट करें बच्चों 12 यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करता है वो कहते हैं कि चलो हम अपना अपना टाइम लें किस चीज के लिए टाइम लें एंड वी विल ऑल कीप स्टिल रुक जाने के लिए पोएट कहते हैं कि हम लोग इस तरीके से इस भागदौड़ की जिंदगी के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम रुकते ही नहीं हैं और क्योंकि हम रुकते नहीं हैं तो यहाँ पे हम कभी भी हम क्या कर रहे हैं हमारे जिंदगी का क्या पर्पस है हम कोई एक चीज करना भी चाहते हैं कि नहीं वो हमें फोर्स किया जा रहा है हम कुछ नहीं सोच पाते हैं तो पोएट कह रहे हैं कि ये वक्त है हमारे इंट्रोस्पेक्ट करने का ये वक्त है हम लोगों के सेल्फ एग्जामिनेशन का खुद को एग्जामिन करने का कि आखिरकार हम क्या चाहते हैं हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हमारे जिंदगी का क्या पर्पस है अब बच्चों इंट्रोस्पेक्ट करने में सबको अपना अलग अलग टाइम लग सकता है एंड दैट इज़ वाई उन्होंने इस टाइम को ट्वेल्व से रिप्रेजेंट किया है हो सकता है बारह घंटे के अंदर मैं रियलाइज कर लूँ और हो सकता है किसी को बारह महीने बारह साल लग जाए और वो कहते हैं कि अब जब हम ये इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो इस इंट्रोस्पेक्शन में फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ पहली बार एग्जिस्टेंस में ऐसा होगा लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज कि हम किसी भी भाषा में बात नहीं कर रहे होंगे बच्चों जो भाषाएं होती हैं वो हम लोगों को डिवाइड करती हैं ऐसा माना जाता है कि भाषा के बेसिस पे हम लोगों के टुकड़े कर दिए जाते हैं हम ह्यूमन ह्यूमन नहीं रहते उसके बाद हमें नेशनैलिटी स्टेट वाइज सिटी वाइज लिंग्विस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाता है और न जाने कितने ऐसे वॉर्स हैं अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उठाकर देखेंगे वो भाषाओं के बेसिस पे हुए इसके लिए हुए हैं क्योंकि किसी ने किसी की भाषा को सुपीरियर मान लिया और किसी दूसरे की भाषा को और उसे सबमिसिव यू नो उसे सबमिट करने को बोला तो बात ही नहीं करनी है यार इस भाषा में क्योंकि शायद जो तुम बोलोगे वो मैं नहीं समझ पाऊंगी और जो मैं बोलूँगी वो तुम नहीं समझ पाओगे हम दोनों एक दूसरे आ, यू नो के होके भी कि ठीक है हम लोग ह्यूमैनिटी के हैं हम लोग ह्यूमन रेस को बिलोंग करते हैं हम लोग ह्यूमन रेस को बिलोंग होकर भी हम दोनों में डिफरेंसेस होंगे हम लड़ाई करेंगे हम वॉर करेंगे और नहीं चाहिए पोएट को ये तो फिर क्या करें हम सब क्या एक ही भाषा सीख लें वो भी पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए पोएट ने हमें जो भाषा बोली है बोलने के लिए वो साइलेंस की मैं भी चुप हूं आप भी चुप हो हम सब चुप हैं तो हमें कोई एक चीज कॉमन होगी और वो होगा साइलेंस लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच पोएट कहते हैं यार एक सेकेंड रुक जाओ भागते रहते हो भागते रहते हो लाइफ में ये करना है वो करना है ऐसे करना है ये हर एक चीज तुम्हारी टाइमलाइन हर चीज़ की फिक्स है बीस में ये पच्चीस में ये तीस में ये पैंतीस में ये पचपन में ये पैंसठ में ये रुको ना यार सांस लो रुक जाओ इंट्रोस्पेक्ट करो जानो तुम्हारी जिंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है और तुम इस तुम इस किसे इसे किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो रुक जाओ और एक्टिविटीज को रोक दो अपनी और खास करके उन एक्टिविटीज को जो डिस्ट्रक्शन लेकर आती है अपने आर्म्स को मूव मत करो इतना डिस्ट्रक्शन के लिए अगर तुम ये आर्म्स को किसी की हेल्प के लिए यूज नहीं कर सकते हो तो किसी को डिस्ट्रॉय मत करो और इसके साथ में वो कहते हैं ये आर्म्स जिसको हम पन में यूज कर रहे हैं यहाँ पे पन है ये जो आर्म्स है ये आर्म्स हमारे वो हाथ भी है जो डिस्ट्रक्शन में उठते हैं और वो वेपन भी हैं जिनसे हमने जिंदगी बर्बाद कर दी हैं तो पैबलो नरूदा कहते हैं बस करो यार अब मत मत करो अब इस्तेमाल ही मत करो एक्टिविटी बंद कर दो डिस्ट्रक्शन बंद कर दो अब हमको किसी और को डिस्ट्रॉय नहीं करना है अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते उसे समझ नहीं सकते हैं तो उसे खत्म हम नहीं करेंगे हमें रुक जाना चाहिए इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट कितना निराला कितना अनोखा कितना स्ट्रेंज मोमेंट होगा ये जिस मोमेंट के अंदर कोई कुछ बोल नहीं रहा कोई कुछ कर नहीं रहा कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा कोई एक्टिविटी नहीं हो रही विदाउट रश विदाउट ये कैसा मोमेंट होगा जिसमें कोई रश नहीं है किसी को कहीं नहीं जाना किसी की कोई ट्रेन नहीं छूट रही है ये ऐसा मोमेंट है जिसके अंदर कुछ मशीन नहीं है किसी मशीन की आवाज नहीं आ रही है कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है कोई वॉर टैंक्स इधर से उधर नहीं जा रहे हैं कोई जगह पे किसी लोगों को कि नहीं किसी कस्बे को उड़ाया नहीं जा रहा है कोई गोलियां नहीं चल रही हैं कोई बॉम्बिंग नहीं हो रही है कोई रश नहीं है कुछ किसी चीज को करने का किसी से आगे जाने का किसी को हराने का हम सब इस अजीब से मोमेंट में कैद होंगे वी वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस ये ये जो बड़े अजीब एकदम से अजीब यू नो आ, हम लोगों ने इन्वायरमेंट हमारे अराउंड क्रिएट कर लिया होगा इसमें हम सब साथ होंगे हम सब साथ होंगे मैं भी कुछ नहीं कर रही हूँ तुम भी कुछ नहीं कर रहे हो हम सब साथ होंगे और ये टुगेदरनेस की जरूरत है हमें हमें इस भाईचारे की जरूरत है ये समझने की जरूरत है कि एक दूसरे को खत्म करके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके हमें कुछ नहीं मिलेगा बट वो तभी होगा जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और जब हम इंट्रोस्पेक्ट कर लेंगे तो हमें रियलाइजेशन होंगे हम रियलाइज करेंगे कि ये जो डिस्ट्रक्शन है ये डिस्ट्रक्शन हम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए भी लाते हैं जी हाँ रियलाइज करेगा वो फिशरमैन जो कि वेल की हंटिंग करता है जो न जाने कितने ठंडे पानी के अंदर कोल्ड सी के अंदर वेल को हार्म करने निकल जाता है रियलाइज करेगा वो इंसान जो इस गहरे समुद्र के अंदर नमक ढूंढता है नमक खोजता है उस नमक को बेचता है और रोजी रोटी कमाता है वो इंसान भी अपने हाथों को देखेगा और उन हाथों को देखकर उन छालों को महसूस करेगा जो छाले उसके उस उस नमक को कलेक्ट करके बेचने बेच के दो दो वक्त की रोटी कमाने में पड़ गए हैं तो कभी कभी हम लोग अपने लाइफ में माइंडलेसली इस तरीके से मूव करने लग जाते हैं कि हम देखते ही नहीं है कि हम अपने साथ में और कितने लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम देखते ही नहीं है कि इस वजह से हम अपने आप को कितना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इसीलिए शायद इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो रियलाइज होगा फिशरमैन इन द कोल्स वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट वुड लुक एट इज हर्ट हैंड्स हमें रियलाइज होगा कि हम दूसरों को भी बहुत हर्ट कर रहे हैं और खुद को इसके साथ में शायद हम ये देख पाए हम महसूस कर पाए कि वॉर हमारे लिए क्या लेकर आता है शायद वो लोग जो कि वॉर प्रिपेयर करते हैं वो भी रुक पाए शायद वो लोग दो जू प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स ऐसे लोग जिन्होंने इन्वायरमेंट के खिलाफ मानो एक जंग छेड़ दी हो वो लोग संभल पाए वो वो वक्त रहते सीख पाए कि ये इन्वायरमेंट के खिलाफ जंग नहीं है ये जंग तो हम हमने हमारे खिलाफ ही छेड़ी है वो लोग जो पल्यूशन फैलाते हैं यानी वॉर विद गैस ऐसे लोग जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है और जानते हुए भी वो उसे कंट्रोल नहीं करते हैं शायद उन लोगों की भी आंखें खुलेंगी और वो भी रियलाइज करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। और फिर ऐसे लोग जिन्होंने फायर के माध्यम से वॉर छेड़ दी है गोला बारूद के माध्यम से वॉर छेड़ दी है एक दूसरे को खत्म करने पर तुल गए हैं वो लोग भी रियलाइज करेंगे दैट विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स कि शायद वो इस इस एनवायरनमेंट you know, के खिलाफ शायद हो सकता है इंसानों के खिलाफ शायद वो यूरो पोल्यूशन you know, फैला के एक जंग तो शुरू कर रहे हैं और हो सकता है इस जंग को वो जीत भी जाए बट एट वॉट कॉस्ट किस कीमत पर किस कीमत पर जीतेंगे वो इस जंग को वो जीत तो जाएंगे पर पीछे सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं होगा ये जीत उनकी ऐसी जीत होगी जिसमें तालियां बजाने के लिए भी कोई नहीं बचेगा हार जाएगी ह्यूमैनिटी और ऐसे लोग फिर फाइनली जब ये रियलाइज करेंगे कि ये जो जीत है उस जीत में भी उनकी हार है तब वो वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स फिर वो साफ कपड़े पहनेंगे एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन शेड डूइंग नथिंग वो साफ कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ मिलकर चलेंगे उस एक ऐसी छाव में जिसका कोई बंटवारा नहीं है हम साफ कपड़े अगर आपके कपड़े खून से सने हैं तो दिमाग में वो खून ही आएगा पर जब आप आप नए कपड़े पहनते हो दैट मीन्स यहाँ पे जो क्लीन क्लोथ का मतलब है नई आइडियोलॉजी क्या आपके दिमाग के अंदर वो एक नई आइडियोलॉजी आएगी कि नहीं मैं मेरे को क्या मिल रहा है ये वॉर करके लोगों को खत्म करके मुझे वो करना चाहिए जिसके अंदर ह्यूमैनिटी प्रोटेक्टेड रहे वो नई आइडियोलॉजी को जब आप अपनाओगे तो ब्रदरहुड की फीलिंग आएगी अंदर फीलिंग आएगी भाईचारे की एक साथ चलने की फिर आपको कोई बेड़िया कोई दरारें कुछ नहीं रोकेंगी क्योंकि आप उस छत के नीचे चल रहे होंगे जिस छत का कोई डिविजन नहीं है एक ब्रेडरन क्रिएट करके हम आगे बढ़ रहे होंगे सब साथ और प्रोटेक्टेड तो ऐसा होगा अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाएंगे इसके बाद पोइट यहां पर बोलते हैं कि यार तुम कंफ्यूज मत हो जाना वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ टोटल इन एक्टिविटी मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूं कि पैसिविटी में चले जाओ लथाजी में चले जाओ डेट में, डेथ में चले जाओ मर जाओ नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं कंफ्यूज मत हो मत हो जाना ये मत सोचने लग जाना कि मैं जो बता रहा हूं जो मैं कह रहा हूं उसका कोई लेना देना डेथ से है लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट देखो यार जिंदगी वही है जो चलती है जिंदगी का नाम चलना है और जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी आई want नो ट्रक विद डेथ मेरा डेथ से कोई लेना देना नहीं है मैं डेथ को प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं पैसिविटी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं यथार्जी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं पॉजिटिव एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा हूं मैं ऐसी एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा हूँ जहाँ से पॉजिटिविटी आएगी ऐसी एक्टिविटी जिससे हम ग्रो करेंगे ना कि एक दूसरे को डिस्ट्रॉय वो कहते हैं ये समझना काफी आसान हो जाता इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग ये समझना बहुत आसान हो जाता अगर हम इस तरीके से सिंगल माइंडेड नहीं होते कि बस जिंदगी चलानी है चलानी है चलानी है कि बस जिंदगी जो है उसको चलाते रहना है चाहे दम घुट रहा है चाहे कितनी टॉक्सिसिटी है चाहे यू वांट टू मूव आउट ऑफ द थिंग्स दैट यू आर करंटली पार्ट ऑफ कोई फर्क नहीं पड़ता चलती रहनी चाहिए जिंदगी ऐसा नहीं है और ऐसे नहीं चलनी चाहिए जिंदगी यहां पे आपको ये जरूर समझने की जरूरत है कि आपका उद्देश्य जिंदगी सिर्फ चलाना या काटना नहीं है जिंदगी जीना है एंड फॉर वू नूथ साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस तो शायद हम लोग ये जिंदगी चलाने के पीछे अगर इतने ज्यादा ना पड़े और जिंदगी जीने लग जाए और एक बार के लिए रुक जाए कुछ भी ना करें तो हो सकता है कि जो साइलेंस हम लोगों को सराउंड कर लेगा जो साइलेंस जो जो ये सन्नाटा हम लोगों को सराउंड कर लेगा ये सन्नाटा ही हमारी उस सैडनेस को तोड़ेगा उस सैडनेस को ख़त्म करेगा जो सैडनेस आती है अपने आप को नहीं समझने की वजह से बच्चों कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने लिए अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं या फिर अपने आप को ऐसे बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं जो कि हमने सेट ही नहीं करे किसी और ने सेट करे ऐसे बेंचमार्क जो हमारे लिए रियलिस्टिक नहीं होते हैं जिन्हें अचीव करना या तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता और फिर जब हम उन्हें अचीव करने के लिए भागते हैं और उन्हें अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम एक सैडनेस के अंदर पूरी तरीके से ऑनब्लॉप हो जाते हैं कवर हो जाते हैं हमें ऐसा लगता है यार मेरे से तो कभी कुछ नहीं होता यार इतनी मेहनत कर लिए नंबर नहीं आ रहे हैं इतना सब कर लिया है करियर पाथ यू नो एकदम ट्रैक पे नहीं चल रहा है ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है बिकॉज आपने वो स्टैंडर्ड्स किसी और को देख सेट किए थे खुद को देख नहीं खुद के लिए नहीं तो कभी कभी हम अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, अपने आप को समझते नहीं हैं और उससे आने वाली उस सैडनेस के अंदर पूरी तरीके से डूब जाते हैं पोएट कहते हैं कि बस करो अपने आप को डेथ से डरा डरा कर चीज़ें करवाना बंद कर दो कि तुम अपने आप को डेथ से डरवा रहे हो कि अरे ये देखो ये ये आ, ये कर लो नहीं तो मर जाओगे नहीं 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 ग्रीन टी तो पीनी पड़ेगी नहीं तो मर जाओगे हर वो चीज़ जो है जो तुम नहीं करना चाहते हो ठीक है हर वो चीज़ जो तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मौत का डर है वो तुम्हें जिंदगी काटना सिखा रही है जीना नहीं तो जिंदगी को जियो सिंगल माइंडेड नहीं होकर अपने आप को समझ कर, उस सन्नाटे को समझकर जो तुम्हें शायद आगे का रास्ता दिखाएगा तुम्हें जिंदगी जीनी चाहिए Perhaps the earth अर्थ कैन us as when everything seems dead and later proves to be alive। नहीं समझ आ रहा है ये कैसे हो सकता है मैं बताता हूं शायद तुम अर्थ से सीख सकते हो अर्थ भी तो कितनी शांत है अपनी एक्टिविटी करती रहती है आप उसे देखोगे तो आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि इसके कण कण में जीवन है बट ये अपने जीवन को अपने जिंदा होने को अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर, करने के लिए किसी और में जा जाके नहीं भिड़ती किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करती अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने के लिए वर्ड में एंगेज नहीं होती तो बट तुम्हें क्यों होना है तुम्हारे अंदर भी जिंदगी है जीवन है और तुम भी पॉजिटिव एक्टिविटीज कर सकते हो तुम्हें डिस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है फाइनली वो कहते हैं नाउ आई विल काउंट अप टू यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो अब मैं खुद बारह तक काउंट करूंगा और तुम चुप हो जाओगे तुम मुझे देखोगे और फिर मैं चला जाऊंगा और तुम भी यही करोगे क्योंकि अभी तक पोएट हम लोगों को इसके बारे में बताते जा रहे हैं कि अरे हमें कैसे आ, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कैसे रुक जाना चाहिए किस तरीके से आ, हमें डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए पोएट कह रहे हैं कि चलो माइट एज वेल मैं भी कर लूँ यह मैं प्रीच ना प्रीच करने के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिस करके भी दिखा दूँ कि हाँ रुकना चाहिए हाँ हमें रुकना चाहिए इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए समझना चाहिए एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को खुद की रिक्वायरमेंट को डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए इसीलिए वो चले गए इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए ये उम्मीद के साथ में कि हम भी इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो इसके साथ में पोम जो है है वो कंप्लीट हो जाती है। मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया है इस पोम के अंदर आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है यहाँ का जहां पे कॉन्सोनेट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड रिपीट हो रहा है जैसे वी विल में व व का साउंड आ रहा है सडन स्ट्रेंजनेस में स का साउंड आ रहा है टॉप फॉर वन सेकेंड में स स का साउंड रिपीट हो रहा है हिज हर्ट हैंड में हर हर का साउंड रिपीट हो रहा है और क्लीन clothes में क का साउंड रिपीट हो रहा है आपको यहां पर रेपिटेशन भी देखने को मिल जाएगा विदाउट रश without engines में विदाउट का बच्चों बार बार रिपीट हो रहा है ये दो बार रिपीट हो रहा है इसको आप रेपिटेशन में भी डाल सकते हो और इसके साथ साथ आप इसे एनाफोरा भी बोल सकते हो ये एनाफोरा भी है एनफोरा का भी मतलब यही होता है कि जब दो फ्रेजेस या दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन में पहला वाला शब्द रिपीट हो रहा हो जब दो दो फ्रेजेज या दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन में पहला वाला शब्द रिपीट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं एनफोरा सिंबोलिज्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत सारे जगह पे यहाँ पे पोएट ने आपको ऐसे सिंबल्स दे दिए हैं जिनकी आपको ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जैसे ब्रदर्स यहाँ पर मैनकाइंड को बताता है ह्यूमन रेस को बताता है ग्रीन वॉर्स यहाँ पर इन्वायरमेंट के खिलाफ जो हमने वॉर्स छेड़ दिए उसको बताता है वॉर्स विद गैस पल्यूशन के बारे में बात कर रहा है क्लीन change चेंज ऑफ के बारे में बात कर रहा है शेड उस प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहा है उस छत के बारे में बात कर रहा है जो कि हमें बारिशों में बचाती है एक तरीके से ऑल राइट एंटाइथीसिस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा एंटाइथीसिस का मतलब होता है जब दो ऑपोजिट चीजें आप एक ही सेंटेंस के अंदर प्लेस कर देते हो जैसे काउंट टू ट्वेल्व एंड वी विल ऑल कीप स्टिल अब ये काउंट टू ट्वेल्व में आपको एक्टिविटी करने के लिए दिया जा रहा है और उसके बाद में इमीडिएटली आपको बोल दिया जा रहा है कि नहीं हम लोग सब स्टिल हो जाएंगे तो दो ऑपोजिट चीजें हैं एक जगह एक्टिविटी और एक जगह इनएक्टिविटी की बात की जा रही है स्टिलनेस की बात की जा रही है तो इसीलिए दोनों ऑपोजिट एक साथ जब प्लेस हुए हैं तो ये हो गया एंटाइथीस परसोनिफिकेशन परसोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम लोग यू नो you know, किसी आ, ऑब्जेक्ट के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज या डाल देते हैं उसे परसोनिफाई करते हैं वो ऐसी चीजें करने लगता है जो कि ह्यूमन बींग्स करते हैं तो परसोनिफिकेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा अर्थ में बच्चों अर्थ हमें पढ़ा नहीं सकती है ये काम ह्यूमन बींग्स का है बट यहां पर अर्थ को पढ़ाने के लिए बोला गया है तो यहां पर अर्थ को परसोनिफाई किया गया है आपको यहाँ पर मेटेफर देखने को मिलेगा मेटेफर जैसे कि शेड शेड यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए यूज किया गया है मेटेफर का मतलब होता है जब आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो तो जब डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो दैट इज मेटेफर एंजॉयमेंट आपको देखने को मिलने वाला है बच्चों जब ऐसा होता है कि पोएट किसी एक थॉट को आ, एक स्टैंडा से दूसरे स्टैंडा में लेकर चले जाते हैं बिना किसी के हम एंजॉयमेंट बोलते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देखो नाउ वी विल काउंट टू ट्वेल्व एंड उसके बाद में नॉट मूव आर आर्म सो मच एक ही बात है जो कही जा रही है पूरे स्टैंडा के अंदर ऑल राइट देन दैट्स इट ये रहा हमारा पूरा पोम हमने पूरा पोम कंप्लीट कर लिया है और आ, इसके साथ में आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पोएट आपसे क्या चाहते हैं और थीम भी आपको क्लियर हो गया होगा जो कि इंट्रोस्पेक्शन का ट्रांक्यूलिटी का है और अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट डाउन करना अगर आपको कोई भी डाउट्स है एंड सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को ताकि इसे इसी तरीके की और भी वीडियोज़ आप देख सको आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर